इस हफ्ते हम लोगों ने टिमसी का वीडियो बनाना है बिकॉज वो अडॉप्ट हुई है, पर इसलिए हम मैकलॉड जा रहे हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले शाइनी बताएगी टिमसी क्या कहानी है। लास्ट वीक टिमसी पराग जी के पास चली गई मुंबई, और आपको पता ही होगा कि टिमसी हमारी फार्म की एक बहुत ओल्ड डॉग थी। हम मैकलॉड जा रहे हैं लोगों से पूछने कि जब वो डॉग लेते हैं तो क्या वो सोचते हैं कि हम डॉग खरीदें या अडॉप्ट करें, और अगर वो अडॉप्ट करते हैं तो क्या वो सोचते हैं कि भाई कुत्ता यंग हो ओल्ड हो, कुत्ता ऐसा हो जिसको हमारी ज़रूरत हो या उनकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, राइट? यस। तो आप लोग वीडियो देखिए जरूर। तो आने बेटा 7 बजे आएगा, वो लड़का खोलेगा, संजय उठ के बिस्तर से तो जाएगा नहीं। संजय भैया का गुस्से का प्रकोप कम नहीं है, पानी आ रहा ना वो भी नहीं आएगा। जैसे आपको दिख रहा है कि संजय भैया की तीसरी आंख खुल चुकी है। बेटी रेस्क्यू को के लिए प्लीज जगह दीजिए, तुम आ जाओ इधर, इधर आओ बेटी, आगे आ जाओ। कमल भाई केयरफुल। आज हमें मनोज जी ने धर्मशाला से कॉल किया एक बैल के बारे में बताने के लिए, जो उन्होंने देखा था एक कूड़े के ढेर के पास, और इसको पैर पे चोट लगी है, इसके ऊपर एक पट्टी भी बंधी है पैर पे, तो ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने इसको ट्रीट करने की कोशिश की भी होगी, लेकिन क्योंकि इसे बहुत दर्द हो रही है तो इसने अपनी टांग उठा के रखी हुई है, इसका पैर पड़ नहीं पा रहा है जमीन पे। जी अभी तो मुझे एग्जामिन करना है इसका पैर कि अंदर पस पड़ी हुई है या कोई फ्रैक्चर है पुराना। बेसिक ट्रीटमेंट तो वही रहेगी, एंटीबायोटिक और पेन किलर्स उसको देने पड़ेंगे क्योंकि पैर नीचे नहीं लगा पा रहा है, पेन तो काफ़ी ज़्यादा है ही है इसको। जगह तो हमारे पास आज भी नहीं थी, लेकिन बैल का कंडीशन देखते हुए मैंने इसको यहाँ बुलवा लिया क्योंकि कल हम चंपक को रिलीज करने वाले हैं। ये हमारे साहिल भैया हैं, और अदरवाइज ये ऐसे बहुत हंसी गुल्ला करते हैं यहाँ पे, लेकिन जब मैं कैमरा लेके आती हूँ तो साहिल भैया की बोलती बंद हो जाती है। साहिल भैया आप चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? आज चंपक रिलीज हो रहा है। चंपक की राइट टांग में फ्रैक्चर था, ये बग्गा से आया था हमारे पास। चंपक को जब हम लेकर आए थे उस टाइम पे कोविड की वजह से हॉस्पिटल बंद हो रहे थे, इसलिए हम उसे पालमपुर भेज नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे हमने इसका स्प्लेंट वगैरह किया, बीच में इसको पस होने लगा था, लेकिन काफ़ी अच्छे से इसकी रिकवरी हुई है और बहुत अच्छे से ये ठीक हो चुका है और अब जा रहे हैं। अरे चल पड़े चंपक जी, चलो चलो हमारी गाड़ी में। बेटी जी आपको कहाँ जाना है यार, आ जाओ, इसको हर चीज़ में शामिल होना होता है। टोफू जा रही थी चंपक को अलविदा कहने के लिए, बाय बाय करने के लिए, और चंपक ने वहाँ गोबर कर दिया और थोड़े से छींटे टोफू के माथे पे भी पड़े हैं। चंपक जाते जाते गिफ्ट दे गया तुम्हें टोफू। मैं और ज्योति आए हैं हमारे बैक एरिया में, और आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ है हमारे मुर्गों से रिलेटेड। अब किटकिट फाइनली इनका दोस्त बन चुका है। ज्योति बताएगी ये सब हुआ कैसे। किटकिट को पहले तो हम केज में बाहर ही रखते थे, फिर धीरे से हमने केज के साथ उसको अंदर ही रखना शुरू किया, और उसके बाद 2-3 दिन बाद हमने उसको धीरे से यहाँ इंट्रोड्यूस किया एंड दे वर फाइन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ये लोग फ्रेंड्स हो चुके हैं, कोई लड़ाई नहीं होती है अब। इसीलिए कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी कि अच्छी चीज़ों को समय लगता है। टोफू जा रही है हमारी ट्रीटमेंट टीम के पीछे पीछे, बिकॉज शी इज़ लाइक कि मैं ट्रीट करती हूँ, क्योंकि हमारे ना काफ़ी सारे रेजिडेंट एनिमल्स हमारी ट्रीटमेंट टीम के साथ रह रहे के खुद भी ट्रीटमेंट सीख चुके हैं। टोफू तुम करोगी ट्रीटमेंट बेल का, करना चाहोगी? बेल हमारे पास पहले भी आई थी रेड से, इसको उस समय वेजाइनल और रेक्टल प्रोलैप्स था, और अभी भी ये सेम उसी चीज़ के लिए वेजाइनल प्रोलैप्स के लिए वापस हमारे पास आई है रेस्क्यू होके, और इसको अभी हमारी टीम होइस पे लगा रही है। 2 दिन पहले भी हमने ट्राई किया था इसको मास्क को अंदर करने में, सक्सेस तो हुई थी, 2-3 बार अंदर गया भी, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी इसमें, तो वापस बाहर आ गया, और उस वक्त हम इसकी बुनर स्विचिंग नहीं कर पाए, तो आज हमने इसको होस्ट पे किया है ताकि ये खड़ी रहे कुछ टाइम तक, और फिर से हम इसको प्लेट्स को अंदर डालेंगे और एक बार बुना स्विचिंग से ट्राई करेंगे कि ये ठीक है। तो सर आपने इसको बांधा इसके प्रोलैप्स को, इसके पीछे कोई रीज़न है? क्योंकि 1-2 दिन हमने इसको डिले किया है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा इंजर्ड हो गया अगर ये, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ बैठ जाती है, मैगेट वुंड बन सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कट लग सकता है, तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए और थोड़े साफ रखने के लिए हमने इसको कपड़ा बांधा साथ में, तो आज इसको भी रिमूव कर देंगे। तो हमारी टीम ये जो होइस्ट है इसको तब इस्तेमाल करती है जब हमारा कोई भी लार्ज एनिमल है वो खड़ा नहीं हो पाता है और उसकी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होती है, तो तब हम इस होइस्ट को इस्तेमाल करते हैं। आपको बिल्लो याद होगी, बिल्लो हमारी पहले रेजिडेंट कैट थी जो पीपल फार्म में रहती थी, वो उसे अडॉप्ट किया था करीना ने फ्रॉम चंडीगढ़, और आज उसने बहुत सारी वीडियोज भेजी थी मुझे बिल्लो की, तो डॉक्टर अंकित बिल्लो से बहुत अटैच है, और आज मैंने इनको जब सारी वीडियोस फॉरवर्ड की तो डॉक्टर अंकित एकदम इमोशनल हो गए हैं बिल्लो की वीडियोस देख के। आई एम वेरी हैप्पी कि वो खुश है, अपने घर पे बहुत ज़्यादा सुकून से रह रही है,
यार उसको पिंजरे में रखना पड़ रहा था, मैं तो काफी बुरा लग रहा था मुझे भी। डॉक्टर अंकित बिल्लो को तो मिस कर रहे हैं, पर उनको धूप मिल गई है पैम्पर करने के लिए। हाँ, पर ये भी शायद अडॉप्ट हो चुकी है। धूप भी अडॉप्ट हो चुकी है और ये जा रही है परमिता जी के पास दिल्ली। दो दिन पहले हमारे पास एक और किटन आई थी जो कि अजय जी द्रमन से लेके आए थे। वो कैट अजय जी को उनके घर के पास बहुत छोटी सी मिली थी। उन्होंने एक महीना तक उसको अपने घर पे ही रखा, वो रखना चाहते थे हमेशा के लिए, लेकिन ऐसा हुआ कि एक दिन गलती से उनका पैर उसके सर पे लग गया और उसको इंजरी हो गई। हमें समझ नहीं आया क्या हुआ। वो शाहपुर लेकर भी गए थे उसे दिखवाने के लिए, थोड़ी कंडीशन बेटर हुई थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो गई। फिर उन्होंने उसे यहाँ शिफ्ट करने के लिए बात की। कंडीशन देखते हुए हमने हाँ भी कह दिया, हम उसे लेकर आए, लेकिन रात में ही उसकी डेथ हो गई थी। आज हमारे लिए बड़ा दुख का दिन है। आज शुभम जी जा रहे हैं। शुभम जी वो हैं जो हमारे यूट्यूब को 80,000 से 200,000 पे ले आए हैं। फिर से वापस आऊँगा, काफ़ी सीखने को मिला एंड बेटर पर्सन बन के जा रहा हूँ। तीन दिन काफी चिढ़ा हुआ है शुभम से, क्योंकि शुभम ने क्या कहा था, बेटर पर्सन सर वीगन, मतलब वीगन जो होते हैं वो बेटर होते हैं। और तीन दिन आपको ये बात बुरी क्यों लग गई? मैंने ये बोला कि लाइक इसका डेफिनेशन बहुत छोटा है, बीइंग वीगन इज अ बेटर पर्सन, इससे भी ज्यादा डेफिनेशन हो सकता है। पर क्या वीगन होना नॉन वीगन से बेटर है? मान लो एवरीथिंग एल्स इज सेम, फिर तो चलो ठीक है। आप हो वीगन टेंशन? आप वेजिटेरियन हो टेंशन? टेंशन के आसपास हमारे जो मीमी बेटी जी सब घबराए रहते हैं। चूचू हुई परसों हमारे पास एक काफ आया था जिसको पैर में चोट लगी थी, और उसको देखने के बाद हमें लगा था कि उसके चांसेस ज़्यादा नहीं है बचने के, क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर था, लेटा हुआ था। और आज पता चला है कि ये खड़े होके दौड़ रहा था एंड ही इज डूइंग अ लॉट बेटर। बेसिकली उसको पिछले टाइम पे काफ़ी पेन है, इंजरी है, और वो पाँव नहीं लगा रहा था, लेकिन आज हमने सुबह देखा तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसमें आने लग गई है पेन किलर देने के बाद, और इन्फेक्शन भी थोड़ा क्लियर होने लग गया है। तो होपफुली अगर ये सब कुछ ठीक रहता है तो विद इन अ वीक काफ़ी रिकवर कर जाएगा। अभी अभी इसकी ट्रीटमेंट हुई है तो बेचारा अभी ये रेस्ट कर रहा है। हमारे एनिमल एरिया में हर थोड़े दिन में कोई ना कोई अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक ये भी है। ये भाई साहब है चरणदास जी और साथ में है चाचू, और ये एक दूसरे की ग्रूमिंग कर रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। और ये बेचारे लोनली फील कर रहे हैं। चंद्रकांत कोई बात नहीं। कुछ ही हफ्ते पहले हमने एक बैल को रिलीज किया था जिसका नाम नवाब था, और वो जब आया था वो हमारे ही गांव से हम लोग उसको लेके आए थे, और जब वो आया था तो उसके गले पे मैगेट वुंड था, तो उसका मैगेट वुंड ठीक हो गया था इसलिए हमने उसे रिलीज कर दिया था। और आज फिर से ये यहाँ पे वापस आया है। इसके लिए हमें जितेंद्र जी ने फोन किया, हमारे गांव में रहते हैं जितेंद्र जी, और ये एक मैगेट वुंड इसको हुआ है ये पीठ वाली साइड पे, और ये पहले से काफी वीक भी हो गया है। वी आर नॉट श्योर कि इसको ये वुंड कैसे हुआ है। हमने डीमैक्स स्प्रे किया ताकि जो मैगेट्स हैं वो मर जाएं, और इसको डायरिया भी है तो उसके लिए हम इसको रूमिकेयर और नेपडॉन पे रखेंगे ताकि इसका डाइजेशन ठीक हो जाए। और ये बहुत कमजोर होके भी आया, आपको नहीं लग रहा? कमजोर तो लग रहा है, उसके लिए हम ई बूस्टर भी शुरू करेंगे इसको। यहाँ पे है मेरे भाई, मेरे दोस्त कमल जी। कमल जी क्या कर रहे हैं? ये लॉक लगा रहा हूँ वरना बुल्ली खोल लेता है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि बुल्ली अपनी जीभ से ये जो लॉक है वो खोल देता है। बुल्ली हमेशा ही करता है, उसे जहाँ जाना होता है वो जा सकता है। वो यहाँ के सबसे टैलेंटेड बैल में से एक। पिछले अपडेट में मैंने आपको इस डॉग से मिलाया था, हमने इसका नाम नहीं रखा था, लेकिन इंस्टाग्राम पे गणेश कुमार जी ने सजेस्ट किया कि इसका नाम हम चुलबुल रखे, लेकिन ये लड़की है तो हमने सोचा हम इसका नाम चुलबुली रख रहे हैं, क्योंकि ये सच में बहुत चुलबुली है ना, है ना। इसकी रिसेंटली स्टरलाइजेशन सर्जरी हुई है इसलिए इसने कॉलर पहना हुआ है। यहाँ पे ज्योति बहुत देर से स्ट्रगल कर रही है कि अखरोट भाई साहब को अपनी कैनल में डालें ताकि हम लता को बाहर थोड़ी देर निकालें। चले चलो उठो, ट्रीट्स के बिना ये जाता नहीं अंदर है। अड़ियल है ये, अड़ियल। अब कैसे उठा अखरोट? ओ, एक न्यू किटन आदित्य जी रेस्क्यू करके लाए हैं बिलासपुर से, और बहुत छोटी है ये। मुझे ये क्रॉल करते हुए दिखी रोड पे, और इसका पीछे वाला पार्ट जो है चल नहीं रहा था। मैंने पहले इसको दूध पिलाने की कोशिश की पर ये पी नहीं पा रही थी कुछ, क्योंकि ब्लड आ गया था इसके माउथ में पूरा। इसकी पीछे वाली टांगे दोनों पैरालाइज है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो रेस्क्यू करके लाते हैं छोटे किटन्स भी और छोटे पपीज भी, किसी बॉक्स में या गत्ते के डब्बे में ले आते हैं, पर आदित्य जी ने स्पेशली इसके लिए एक क्रेट भी ली है। अगर आपको याद होगा कि गिरगिट एक बैल था जो कांगड़ा से हमारे पास आया था, पूंछ कटी हुई थी उसकी,
उस पर ज़ख्म था, तो जब वो यहाँ पे आया हमने उसकी ट्रीटमेंट के दौरान उसकी पूंछ को थोड़ा सा एम्पूटेट भी किया था। उसकी पूंछ तो ऑलमोस्ट हील हो रही थी, लेकिन फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई जिसके बारे में डॉक्टर हिमांशु हमें बताएंगे। उसको पहले भी पर एक बार ना पेट में प्रॉब्लम आई थी, उसको इंफेक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी, तो पहले भी काफ़ी टाइम उसको दिक्कत रही, तो गोबर करने में भी दिक्कत होती रही, तो फिर हमने दवाइयाँ दी, हमने पाउडर वगैरह चलाए, तो उससे वो रिकवर कर गया। और फिर उसको ना वीकनेस आ रही थी, मतलब उसको उठने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। कई बार जब रूमेन डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा हो जाती हैं क्रॉनिक उसमें, तो उसमें रिकम्बेंसी आ जाती है। इसके केस में थोड़ी सीवियर हो गई थी प्रॉब्लम, तो जिसकी वजह से हम इसको नहीं बचा पाए। एक अपडेट और है तिगड़म का। तिगड़म भाई साहब जो कि बहुत भारी भरकम है, ये कांगड़ा से आए थे हमारे पास। इसको पीछे घाव थे दो जगह पे, तीन जगह पे एक्चुअली, यहाँ पे और आपको आप जैसे देख सकते हैं कि इसके घाव काफ़ी अच्छी तरीके से भर गए हैं, तो शायद तिगड़म जी को भी हम बहुत ही जल्दी रिलीज करेंगे। तिगड़म मुझे ना तुमसे डर लगता है यार। हमारा जो एडॉप्टेबल्स वाला जो कैनल है वहाँ पे गर्ल पावर छाई हुई है, ये देखिए सारी की सारी हमारे पास फीमेल डॉग्स हैं। हाय, एक्चुअली रीज़न ये है कि लोग ना फीमेल डॉग्स को बहुत कम अडॉप्ट करते हैं, उनको ज़्यादातर मेल डॉग्स चाहिए, और स्पेशली अगर फीमेल डॉग है और वो साथ में ब्लैक इन कलर है फिर तो और अडॉप्ट नहीं करते फीमेल ब्लैक डॉग को। तो ये एक रीज़न है कि हमारे पास इतनी सारी फीमेल अडॉप्टेबल डॉग्स अभी भी यहीं पर हैं। आई थिंक काफ़ी सक्सेसफुल रहा हमारा ट्रिप, हमें अच्छे इंटरव्यूज मिले। तुम्हारा क्या कहना है शाइनी? जी हमें जी हमें बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे आंसर्स मिले लोगों से। आई गेस जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मिला। हाँ, थोड़े दोगलापन लोगों का समझ में आया, एंड नॉट लाइक अ नेगेटिव वे, अच्छे तरीके में। तुम्हें लगता है तुम किसी चीज़ को लेकर दोगले हो? आई थिंक बहुत सारी चीज़ों को लेकर दोगले होंगे, बट नॉर्मली लाइक उन चीज़ों को ऐसे सोच नहीं पाते हैं, बट देन लाइक दिखाई जाती हैं तो समझ में आता है। तो तुम्हें लगता है कि एक सही सवाल आदमी को सही रास्ते पे डाल सकता है? आई थिंक हाँ, आई मीन लाइक अगर कोई किसी से सही सवाल पूछे तो उसको सही रास्ते पे तो नहीं कर सही तो नहीं बोल सकता, बट नज जरूर कर सकता है कि उस रास्ते पे जाओ। मुझे भी यही लगता है कि सवाल पूछने पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं तो बल्कि कहता हूँ कई सवाल पागलों वाले भी पूछने चाहिए। जैसे मैं कई भाई लोगों से पूछता हूँ कि भाई आपको अगर 2 करोड़ रुपये मिल जाए तो आप क्या करोगे, या आपके हाथ में जादू की छड़ी आ जाए तो आप विश्व में क्या बदलाव लाओगे। ये जो पागलों वाले सवाल होते हैं ना, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाएंगी, हमारे पास तो पावर नहीं है हम ये कर नहीं सकते, हमारे पास तो पैसा नहीं है हम ये कर नहीं सकते, इससे क्लैरिटी मिलती है कि हम आखिरकार क्या चाहते हैं, हमें कौन सा मुद्दा है जो पसंद है। तो प्लीज़ सवाल पूछते रहिए, और जो लोग सवाल पूछते हैं उनको डिस्करेज मत करिए।